ओ तुझे सामने देख दिल थामने मैं लगा तू नजर ना चुरा तेरा हो न चाहे तुझे ही पुकारे ये दिल हो गया है तेरा तू जो भी कहेगा मिलेगा ये ढेंगा यूं ही फैंटेसी ना बना तू बेकार ताके शक्ल देख जाके जरा खैर अपनी मना मैं तेरा रोमियो आगे पीछे फिरे है क्यों तमाशे करे है होने वाला नहीं कुछ तेरा ख्वाब देखे तू देखे कोई तुझको ना रोके पर अभी होश कर तू जरा कैसे इतना रही है क्यों उड़ी जा रही है रख तू जमीन पर जरा कर लिया है इरादा कहीं लिख ले ये वादा तुझे अब है नहीं छोड़ना सोच कर तो बढ़ा ये लिपस्टिक ये मेकअप हुआ तेरा पैकअप तू जा अपना चेकअप करा मैं तेरा रोमियो मैं तेरा रोमियो 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 बड़ा तू मेरी हीर सोनी मैं तेरा रोमियो 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 बड़ा तू मेरी हीर सोनी शातें बनाना दूसरों को सताना तूने सीखा कहाँ से बता उम्र सारी चलेगा पर तुझे ना मिलेगा जो मेरे दिल का है रास्ता ये अकड़ना भी तेरा दिल है धड़का है मेरा अब तो दिल है ये जिद पे अड़ा ये समझ ले इशारे छोड़ नखरे भी सारे हाथ में हाथ मुझको थमा दिल तेरा तू कर ले बहाना मगर लेके जाना जरूरी हुआ दिल तेरा मैं तेरा रोमियो मैं तेरा रोमियो 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 बड़ा तू मेरी हीर सोनिए मैं तेरा रोमियो 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 बड़ा तू मेरी हीर सोनिए शोमियो ये भी न जाने राजे की हीर सोनिए ये तुम्हारे दिल से कैसी आवाज आ रही है स्टेथोस्कोप के बगैर भी आ रही है अब सब दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है हे पापा जल्दी आए शांति गाड़ी में वेट कर रही है हुआ क्या है अरे पापा आप आए ना प्लीज पापा बहुत बड़ा मसला हो गया सिर्फ आप हमें बचा सकते हैं प्लीज जल्दी आए गाड़ी में वेट करिए शांति यार लेकिन मैं मरीज देख रहा हूँ पापा इमरजेंसी है प्लीज आए डॉक्टर साहब
जल्दी आए। आई ना अंकल, सिर्फ 5 मिनट का काम, हमें इस शादी से बचा ले। मैं उनको कहूंगा क्या? लेकिन क्या बोलना है? एक मिनट, मैं रिहर्सल कर लूं। सेक्रेटरी साहब, लड़का लड़की दोनों शादी के लिए तैयार नहीं है। इस बात पर सेक्रेटरी साहब की खामोशी बनती तो नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? हैं? ये सेक्रेटरी साहब मेरी बीवी की आवाज में क्यों बोल रहे हैं? बेगम, आप क्या कह रहे थे आप प्रोफेसर साहब? मैं कुछ कह रहा था? हाँ हाँ हाँ, वो बच्चों ने मुझे कहा था कि ऐसा कहना है, वो मुझे गाड़ी में जबरदस्ती ले आए थे। बस इस टॉपिक पे अब घर जाके बात होगी। सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं। व्हाट अ सरप्राइज डॉक्टर साहब। अभी आप ही को याद कर रहे थे, वो आपका बेगम के बगैर दिल नहीं लगता, पीछे पीछे चले आए। क्यों डॉक्टर साहब? हाँ जी, बस क्या करें, ये ऐसे ही हैं। अच्छा हुआ आप आ गए, हम बच्चों की मंगनी की बात कर रहे थे, तो डॉक्टर साहब का ख्याल था कि मैं डिसाइड करूं, लेकिन अब आप आ गए तो आप बताइए क्या मुनासिब रहेगी। दरअसल बात ये है जी कि इनसे क्या पूछना, मेरे ख्याल से इस महीने की 15 तारीख सेट कर देते हैं। क्या ख्याल है आपका? मेरा ख्याल है जी, दरअसल आपका ख्याल तो मैंने बता दिया, अब भाई साहब की सुनते हैं ना। हाँ तो फिर 15 तारीख डन। मैं ये कहना चाह रहा था कि आप कह रहे थे कि बहुत बहुत मुबारक हो सेक्रेटरी साहब, मुबारक हो, 15 तारीख को एंगेजमेंट की बहुत बड़ी पार्टी होगी। अंदर क्या हो रहा होगा, इतनी देर हो गई है। मुझे लगता है पापा को ना अंकल ने जबरदस्ती बिठा लिया होगा, वरना पापा के तो दिल में अब तक उन्हीं पैसों का चल रहा होगा साहब जो मरीजों से मिलने वाले थे, वो तो उनका नेट लॉस है ना। तुम्हारे पापा ने बात तो की होगी ना कहीं पहले की तरह? बात तो अभी वो होनी है जो इसके बाद मेरी मामा करने वाली है मेरे पापा के साथ। मुबारक हो आपको। लेकिन वो खुश नहीं लग रहे। कौन सा खुशी वाला काम करने गए थे, रिश्ता तोड़ने के लिए गए थे, ऐसे लगना चाहिए। तो मतलब काम हो गया? नो, इनके साथ तो मामा भी आ रही है, ये यहाँ कैसे आ गई? बताएं अंदर क्या करके आए? इस महीने की 15 तारीख तय हुई है मंगनी के फंक्शन के लिए। What? Yes. शांति बेटा, तुम और रोमियो शॉपिंग के लिए कब जाओगे? मंगनी में दिन ही कितने हैं? जी, डिस्कस करके बताएंगे।
ये देख कितनी अच्छी है। अब्बा तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें लाए हैं और वो भी बहुत महंगी महंगी। तो दामाद कौन सा सस्ता है? छह दफा क्या के मंगाना भी क्या मंगाना हुआ महंगी। तुम ना कभी खुश मत होना, चल चले अपने घर। सुन रही है सास जी, इसने आखिर आज कह ही दिया कि ये घर मेरा नहीं है। मैं ही था जिस घर को अपना समझता रहा है। आफ्टर ऑल मैं दामाद हूँ, मेरी इज्जत करना बनता है। वो कोई मामूली नहीं, बड़ा नाम है मेरा। नजर भाई, बड़ा तो नहीं है, शुरू होते ही खत्म हो जाता है नजर। अरे आपसे बड़ा तो मेरा नाम है। अफलातून। अरे बेटा शुक्र है दामाद जी खुश खुश जा रहे हैं। सुन लो सोनी, तैयारी पकड़ लो, अब तो घर वाले भी कहने लगे हैं यहाँ से जाने को। मैं बता रहा हूँ तुझे, शबरात के बाद एक दिन नहीं रुकना मैंने यहाँ पे। लेकिन आप तो कल कह रहे थे कि आज जाना है। देख यार अफलातून, अब जेदी के घर वाले हीर की शबरात लेके आएंगे तो मैं यहाँ ना हूँ तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी है? आफ्टर ऑल मैं दामाद हूँ, दामाद के बगैर घर सजता थोड़ी है, मुझे तो पता ही है। लेकिन शबरात तो अगले हफ्ते है ना। अब तुम लोगों के लिए मैं शबरात आगे पीछे थोड़ी कर सकता हूँ ना। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे शबरात हीर की नहीं आपकी आनी हो। ओ भाई हेलो, जेदी के घर वाले मेरी इज्जत करते हैं तो आफ्टर ऑल कुछ तो लाएंगे ना मेरे लिए। अब मैं उनको मना करने उनके घर जाता अच्छा लगूंगा? आफ्टर ऑल मैं दामाद हूँ, मेरी कोई इज्जत है कि नहीं है? अच्छा अच्छा अब समझ गई, तो आप चीजों के लिए शबरात तक रुक रहे हैं। हाथ धो गई, और तुमने मुझे ऐसा समझा? मैं तो पहले ये देने दिलाने वाली चीजों के बहुत सख्त खिलाफ हूँ। नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं समझा, लेकिन मेरे अब्बा इतनी महंगी भोसकी लाए आपके लिए और आप तो पहनेंगे भी नहीं। चलिए कोई बात नहीं, खैर है तो अफलातून ऐसा करो ना कि तुम ही पहन लो, तुम पे बहुत सजेगी ये लो। Excuse me, after all हकीम साहब इतने प्यार से मेरे लिए लाए हैं, उनका दिल रखने के लिए तो पहनूंगा ना मैं। हाथ धो गई। अरे मुझे तो याद आया, मेरा तो ड्रामा रिपीट पे चलना है, वो रिमोट की तरह सोनी। छोड़े अपना ड्रामा, यहाँ भी तो ड्रामा ही चल रहा है। अपना तो उनको दे, मुफ्ते के आई है ना जैसे चीजें। अब तो खुश हो ना? मृणाल जाओ अपने पापा को बाहर निकालो, बाथरूम में कब तक छुपेंगे वो? मैं ना होती तो वो तो ये रिश्ता तोड़वा चुके होते। मृणाल ना, मृणाल मृणाल मिनाल, जाओ पापा को बाहर निकालो। जी, ओके पापा, मेरा मतलब है मामा। पापा पापा पापा, मामा बुला रही हैं। उनसे पूछ कर आओ क्या बात है। कहा था अपने पापा को बुला कर लाओ, वो पूछ रहे थे कि क्या काम है। मिनाल अपनी मामा से कह दो मैं सोया हुआ हूं। मैं भी सोने ही जा रहा था। ये सब क्या हो रहा है? बाथरूम में क्या हो रहा है ये पूछ रही हूँ। तुम्हारा मसला क्या? गर्म पानी नहीं आ रहा। जब रोमियो की शादी शांजे से हो रही है तो तुम्हें क्या इशू है? मुझे कोई इशू नहीं है, रोमियो और शांजे को इशू है। अगर मैं आज वहां ना गई होती तो सारी बनी बात बिगड़ जाती। बेग साहब हमारे बारे में क्या सोचते? अरे खड़े खड़े तुम्हें घर से निकाल देते और किसी गोट में तुम्हारा ट्रांसफर कर देते। मेरी क्यों? वो तो रोमियो और शांजे की। रोमियो और शांजे उस दिन भी साथ थे और आज भी इकट्ठे। ये तुम बच्चों के लिए नहीं, अपनी बहन रोली की वजह से कर रहे हो। वैसे
रानिया है बहुत अच्छी लड़की। आ गई ना दिल की बात जुबान पर। रोमियो की शादी रोली बाजी के घर हरगिज नहीं होगी। घर पे नहीं हो सकती तो शादी हॉल में कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। या उम्मी, मैं अपनी बारात ना ऊंट पे ही लेके जाऊंगा। शादी करने जाना या कुर्बानी करने? अरे ऊंट तो इतना ऊंचा होता है, उसमें बैठोगे कैसे? अगर किसी ने बिठा भी दिया तो उतरोगे कैसे? और अगर ऊंट ने तुम्हारे ये सेरे में मुंह मार लिया तो? या उम्मी, तू मेरी साइड पे है या ऊंट की साइड पे? वैसे एक बात तो बता, ये शादी के लिए कितनी चीजों की जरूरत होती है? एक लड़की दो कपड़ों में। दो कपड़ों में ये कम नहीं हो जाएंगे? मैंने तो पूरी तैयारी कर ली है। चल जाओ मैं, हम उनके घर चलते हैं। अरे जीती, तुझे शादी की जल्दी क्या है? हो जाएगी शादी। मैं तो तेरे लिए जल्दी कर रहा हूँ ना। जरा सोच, हीर यहाँ आएगी, तेरी खिदमत करेगी, देखना मैं लोगों के सामने कितना रोब में रखूंगा उसे। उसको देखते ही तेरी शक्ल मिन्नतों जैसी हो जाती है। रोब में रखूंगा। या उम्मी। अच्छा अगर तू कहता है तो निकाह की बात कर लेंगे, जब हीर की पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी तो शादी कर लेना। हाँ ये ठीक है, चल हम उनके घर चलते हैं। जल्दी जल्दी भी क्या है, सबर कर, अगले हफ्ते हीर के घर शपरात भी तो लेके जानी है, निकाह की बात कब कर लेंगे? ये अगले हफ्ते कितने दिन बाद है? माशाअल्लाह, यानी दुबई में शेख सालम के आम के बागात हैं। माशाअल्लाह यानी एमपी पदीना ने भी शेखपुरे में सहरा बनवाया है। जी ना, मैं दुबई का सूट लाई हूँ नजर के लिए। आए वाह माशाअल्लाह, यानी नंबर वन क्वालिटी। माशाअल्लाह, बात चक रहा, बात चक रहा। मैं भी मुश्किल या अखी। वैसे आपको अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो जरूर बताइएगा, अल दुबई से मंगवा के दूंगा। माशाअल्लाह यानी वो मैं जीदी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपको शुक्रिया अदा करूंगा जीदी भाई, अगर मेरे लिए कुछ लाएंगे तो। ओके ओके, या मैं इनसे बात करें ना। ये क्या कह रहा है जीदी? कुछ नहीं हकीम साहब, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है। वो ना, मैं रुख्सती नहीं मांग रही, मैं कह रही हूँ कि पहले निकाह ना कर लें, जेदी बेटा दुबई का चक्कर लगाए, फिर जब आएगा तो रुख्सती कर लेंगे। बहन जी आपकी अमानत है, मेरी तरफ से आप एक महीने बाद निकाह कर लें। तुझे ज्यादा काली है, पहले हम नजर बेटे से इजाजत तो ले ले। मेरी तरफ से भी इजाजत है। हमारी नूरानी कहाँ है? मुझे मिठाई तो खिलाओ। वो छत पे मोमबत्तियां जल रही हैं। माशाअल्लाह, यानी मैं भी शुक्रिया। या उम्मे, या उम्मे, उम्मे वेनक? हीर, बहुत बहुत मुबारक हो, अगले महीने तेरा जेदी से निकाह है, मिठाई खाओ। हाँ।
हाय हाय, बड़ी जलन हो रही है, शुरली फेंक के किसी ने बदला लिया है मुझसे। हाय हाय, किसने बदला ले लिया? आफ्टर ऑल दमाद, 100 सजन दुश्मन। हाय अफलातून, तू जा अब्बा वाली मरहम लेके आ, जले पे लगाने वाली, तू जा ना। वो वाली जो कल शाम दवाखाने में मरीज को लगाई थी और उसकी चीख यहाँ तक सुनाई दी थी। मैंने ली लगा ली ऐसी परवाह है, बड़ी तकलीफ है, बड़ी तकलीफ। ये अनार का जूस। अनार का जूस। बड़ी तकलीफ है, रहला रहने दे। नहीं नहीं, ये पिएगा तो जल्दी ठीक होगा। अफला तू जाना ना देसी मुर्ग लेकर आ, मैं नजर के लिए पका दूं। भाई नजर पैसे। जाओ ना मेरे काम, जल्दी जा। तू बेटा आराम कर, मैं मुर्गी की तैयारी करूँ। हाँ मैं आती हूँ, ठीक है। जल्दी आना। हाय मुझसे अच्छी तो ये पट्टी है, जब से पट्टी बांधी है खिदमतें हो रही है। बहुत परेशान हो गई रोमियो, पापा ने कहा है शॉपिंग करके आऊं। वाह, पहली लड़की देखी है जो शॉपिंग करने से परेशान हो रही है। शादी की शॉपिंग करके आने को कहा है बेवकूफ। अरे तो तुम उनको बताओ ना तुम रेडी नहीं हो। मामा से बोलना आसान होता है, पापा से बोलना नहीं। गलत फहमी है तुम्हारी, पापा को बताना आसान होता है अगर कोई फायदा हो तो। मैंने मामा को बोला मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ, कहती तो क्या हुआ, दूल्हे तो वैसे भी पार्लर में रेडी होते हैं। लेट्स जस्ट डू वन थिंग, हम तुम्हारा एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करते हैं जो मैं पापा को भेजूंगी, तुम बस इतना कहना कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, ठीक है? हाँ हाँ तुम्हें कहना। अब मैं ये रिकॉर्ड करती हूँ। हेलो अंकल, मैं रोमियो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। अरे अंकल को नहीं मुझसे कहो। अरे तुमसे कहने का क्या फायदा है, तुम्हें मैसेज रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, पापा को भेजूंगी। चलो रिकॉर्ड करते हैं। हेलो माइक टेस्टिंग। क्या है यार मैसेज रिकॉर्ड करना। अच्छा देखो एक काम करते हैं कि तुम मेरी तरफ से मैसेज रिकॉर्ड करो, ओके? हाँ तुम मेरी तरफ से मैसेज रिकॉर्ड। Ready? Hello अंकल, मैं रोमियो, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। मेरा मतलब है कि तुम बोलो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, इतना सा बोलना है यार। चलो। Hello अंकल, मैं रोमियो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अरे तुमने ही तो कहा है यार, मुझे लगता है हमें तुम्हारे पापा से साथ मिलके बात करनी चाहिए, मैं ऐसे अकेले नहीं कर सकता। तुम वहां भी कुछ नहीं करोगे, वहां भी ये करते रहोगे। चलो जीनियस, मैंने हम तीनों की स्केड्यूल्स मैच कर दिए, तो अब हमें पता चल जाएगा कि हम कौन से पीरियड में फ्री हैं टुगेदर। अच्छा। पहले पीरियड में मैं और तुम हैं एक साथ, सेकंड पीरियड हमारा फ्री है, और थर्ड पीरियड में तुम फ्री हो, मैं फ्री नहीं हूँ, और फोर्थ पीरियड में हम चारों फ्री हैं और हम लोग आइसक्रीम खाने चले जाएंगे। हीर को भी बुलाते हैं। हीर, हीर बड़ा क्या हुआ, मुँह क्यों लटका हुआ है? जो लटका हुआ है वो बैग है, मुँह मेरा इधर है। हाय, मेरी लाइफ में ना बड़ा ट्विस्ट आ गया। पूछो क्या पूछो पूछो क्या 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 मेरी निकाह की डेट फाइनल हो गई है। हाय हाय हाय, सिर्फ डेट फाइनल हुई है या जिसके साथ होना है वो भी फाइनल हो गया है? हाय चश्माटू, मेरी ना लाइफ बड़ी ड्रामेटिक हो गई है।
जोक सुनाऊं? मेरे घर वाले मेरा निकाह जेदी से करना चाह रहे हैं, है ना मजे की बात? इसमें मजे की बात क्या है? अरे है, क्योंकि मैं निकाह नहीं करना चाह रही तो हुई ना मजे की बात। फिर तो इतनी सीरियस बात को इतना लाइटली क्यों ले रही है? अभी तुम देखना हीर भागती कैसे। वैसे ना ये बर्गर बॉयज की लाइफ में जरा ट्विस्ट नहीं होता। अब रोमियो को देखो, उसकी मंगनी होने लगी थी, उसे अपने बाप से कह के तोड़वा ली। हमारे अब्बे हमें ये फैसिलिटीज नहीं देते हैं। तुझे पता नहीं चला रोमियो की मंगनी नहीं टूटी, 15 तारीख को उसकी मंगनी का फंक्शन है। अय है, चलो रोमियो से पूछते हैं हमारे लायक कोई काम। देखो मुश्किल वक्त में तो लोगों की मदद करनी चाहिए। मेरे ख्याल में मंगनी से ज्यादा मुश्किल निकाह का टाइम होता है, यानी मुश्किल वक्त मुकाबले में मैं नंबर वन रही। हाय हाय, मजा आ गया। दीदी का क्या करें? उसे मैं उठवा लूंगा, मेरे बड़े कॉन्टेक्ट हैं। इतने कॉन्टेक्ट हैं तो अपनी किताबें उठवा लो पहले। हाँ रोली बाजी, 2 मिनट सांस बंद करें। राजा भाई 2 मिनट हो गए और सांस बंद की तो मर जाऊंगे। जी बाजी, कैसे फोन किया? मुझे तो बड़ी उम्मीदें थी, आपने अच्छा नहीं किया। जरा खांसी करें। नहीं राजा भाई, खांसी नहीं आ रही। मुंह बंद करके सांस लें। आप तो चंद ही सांसें रह गई हैं। बाजी आपको नहीं कहा? क्या मतलब बाजी, मैं 5वां हूं। बाजी क्या मसला है? ये ज्यादती है। अभी फोन आया है डॉक्टर शनास का कि 15 तारीख को रोमियो की किसी से मंगनी हो रही है। बड़ी खुशी की खबर है। मुंह दूसरी तरफ करें प्लीज, आपसे कह रहा हूं। मेरे मुंह फेरने से क्या होगा, आप मेरी नानिया के लिए कुछ करें। ये दवाई लिख के देता हूँ, पाबंदी से खाने से मसला ठीक हो जाएगा। दवाई से ठीक होगा? मैंने खानी है रानिया ने। बाजी आपसे नहीं कह रहा, और कोई मसला? जी मुझे ठीक सुनाई भी नहीं देता। ठीक के अलावा दूसरे लफ्ज सुनाई देते? जी राजा भाई, मेरे कान कोई अच्छी खबर सुनने के लिए तरस गए। ये दवाई कानों में डालें सुबह शाम, अफाका हो जाएगा। राजा भाई मेरे कान तो ठीक है, मुझे तो साफ आवाज आ रही है। बाजी रुके, मैं आपसे बात करता हूँ। बाजी? एक तो मैं बाजी नहीं, ड्रेस डिजाइनर हूँ। दूसरा रुक गया, बात कीजिए। मैं आपसे नहीं कह रहा, आप जाएं। फिर कब आना? ना मैं खुद आके आपसे बात करती हूँ। दोबारा आने की कोई जरूरत नहीं है, आप टेस्ट करवा के मुझे भिजवा दीजिएगा। अब ये वक्त भी आ गया कि मैं भाई के घर आ भी नहीं सकती? नहीं नहीं, आप जब मर्जी आ सकती हैं। मैं आज और अभी आ जाती हूँ। नहीं अभी नहीं। क्या? हेलो, बंद कर दे। शांसे के पापा ने एंगेजमेंट पार्टी रखी है, किस किस को इनवाइट करना चाहिए? मामा कहीं सारे डॉक्टर जी ना बुला लीजिएगा, पता चला एंगेजमेंट सेरेमनी कम और डॉक्टर कमेटी का इजलास ज्यादा लग रहा है। तुम्हारे पापा से पूछूंगी। बड़ी उम्र है आपकी? इतनी भी नहीं है।
एंगेजमेंट पार्टी में किस किस को बुलाना चाहिए नाम लिखवा दें। आपने रॉली बाजी को क्यों फोन किया और आपने रोमियो की मंगनी का क्यों बताया? उनको फोन करके इसलिए बताया क्योंकि वो करीबी रिश्तेदार हैं, सबसे ज्यादा तैयारी तो उनको करनी होगी। आपको फोन नहीं करना चाहिए था। रोमियो के अकीके पे फोन नहीं किया तो आप नाराज हुए, आप एंगेजमेंट पे फोन किया तो आप नाराज हैं। एक तो आपकी समझ नहीं आती। आप जानती हैं कि रोली बाजी को आपने मंगनी का बताकर उनका बीपी हाई कर दिया। रोली बाजी का उसी बात पे कभी बीपी हाई होता है कभी लो। एंजियोग्राफी करवानी चाहिए। वैसे आप ये बात इसलिए तो नहीं कह रहे हैं कि आप उनको मंगनी पे नहीं बुलाना चाहते थे? चलें, मैं भी फोन करके माजरत कर लेती हूँ उनसे। हेलो रोली बाजी। प्रैक्टिस कर लो, लास्ट चांस है। मजला ही कोई नहीं है, बात तो वैसे भी तुमने करनी है ना। मैं बात करूंगी? नहीं नहीं नहीं, तुम बात करोगे और वैसे भी मर्ज स्टेप लेते अच्छे लगते। लेडीज फर्स्ट। हाँ, बात तुम ही करोगी। और वैसे भी सोचो ना, अब मैं जाके अंकल को क्या बोलूंगा, मुझे चांदनी से शादी नहीं करनी। हाँ, कैसा लगेगा? और वो मुझे अपने नौकरों से पटवाएंगे नहीं? अगर तुमने नहीं कहा ना तो मैं जरूर तुम्हें पीटूंगी। चलो हम इकट्ठे बात करेंगे, हम ये शादी नहीं करेंगे। डिसाइडेड? क्या डिसाइड हो रहा है? क्या डिसाइड हो रहा है? बताओ शांति। पापा, रोमियो आपको कुछ बताना चाहता है। पहले मैं बता देता हूँ, आप दोनों शॉपिंग के लिए दुबई जा रहे हैं। नहीं अंकल, दरअसल आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। यस पापा। बात कर लेंगे, खाना लगवाओ अभी, टेबल पे बात करते हैं। बोलो। अंकल वो बात ये कि डिश देना। खाने की पड़ी बात करो। एक्चुअली पापा रोमियो, अंकल दरअसल बात यह है कि हाँ बता दो उसे, मैं जो फैसला करता हूं फुल एंड फाइनल होता है और जो बहानेबाजी करता है उसे उल्टा लटका देता हूं। हाँ सॉरी बेटा, तुम कुछ कह रहे थे। अंकल मैं गाने बहुत मजेदार है। मिर्ची लगी है, पानी पियो। मुझे लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो, बोलो। बोलो बोलो ना। हम ये शादी नहीं करना चाहते। वी हैव डन इट, वी हैव डन इट। मेरी बात सुनो, तुम्हारे पापा गले में तो नहीं गए ना? मैं भागूं क्या?
मुस्कुरा रही है। लगता है शांजली पापा कब तक फोन नहीं आया। रोमियो कहाँ जा रहे हो? एंगेजमेंट का आउटफिट नहीं सेलेक्ट करना? अभी बहुत टाइम है मामा। ओ, ये कोई एग्जाम नहीं है कि एक रात पहले तैयारी होगी। डिजाइनर्स नीड देयर टाइम। आके सेलेक्ट करो। कुछ भी सेलेक्ट कर लें आप। हे, इधर आके देखो। लुक लुक लुक। दिस वन इज नाइस। हाँ, दिस वन इज नाइस। सेक्रेटरी साहब का फोन आया था क्या? नहीं, उनका फोन आना था क्या? हाँ, किसका फोन आना था? कुछ नहीं, आई वाज जोकिंग, आई वाज जोकिंग। मामा, आपका फोन कहाँ है? बजा नहीं। क्यों, कोई मसला है? नहीं, वो काफी देर हो गई है ना, बजता रहता है, बजा नहीं। मैंने बोला पता नहीं साइलेंट पे ना हो। ओह, ये देखो, बज गया। ओह माय गॉडनेस, हेल्थ सेक्रेटरी साहब का फोन है। मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो तुमको चुड़ैल नजर आती है, अब भी नजर आ रही है? इस वक्त जी हाँ, बिल्कुल मुझे नजर आ रही है चुड़ैल। ये रही? डॉक्टर साहिबा, मैं पेशेंट देख रहा हूं। आखिर तुम रोमियो और शांसे का रिश्ता तोड़वाने में कामयाब हो गए? क्या मतलब? क्या मतलब? इतनी मुश्किल बात है जिसका मतलब पूछ रहे हो? रिश्ता टूट गया। डॉक्टर साहब, ये मुझे डांट रही है और ये आपको भी डांट रही है। तुम चुप करो, आपने मरीज भी अपने जैसे रखे हुए। डॉक्टर साहिबा, मैं मरीज फारिग कर लूं, फिर हम बात करते हैं। तुम बैठो इधर, कोई चुड़ैल नहीं है। मैं नहीं बैठूंगा यहाँ पे, वो चुड़ैल मुझे पकड़ लेगी। चुड़ैल, चुड़ैल, चुड़ैल। नर्स, जल्दी से टीका ले आओ। सब आपकी प्लानिंग की वजह से हुआ है। तुम चाहते थे ना कि तुम्हारी बहन रोली की बेटी से मंगनी और रोमियो की रिश्ता तोड़वा दिया। कान खोल के सुन लो, मैं रोमियो की शादी वहां हरगिज़ नहीं होने दूंगी। तुम्हें अभी चुड़ैल नजर आ रही है? अच्छा, तो ये चुड़ैल भगाने का टीका था। इससे आसान हल ये नहीं था कि चुड़ैल को खुद ही बोलते प्लीज। साहब, जब तुम किसी दूर दराज इलाके में फेंक देंगे ना, तब तुम्हें समझ आएगा। डॉक्टर शहनाज, आखिर पता भी तो चले कि हुआ क्या है। एक तो इस डॉक्टर का आईक्यू बहुत ही लो है, अभी भी पूछ रहा है कि हुआ क्या है। टीका लगा है और क्या हुआ है। अरे वैसे रोमियो, तुमसे दोस्ती का एक फायदा तो हुआ, मेरे जूतों का खर्चा कम हो गया। तुमने मुबारक नहीं थी रोमियो को? किस बात की मुबारक? किस बात की? अरे बबल, यहाँ हर चीज की मुबारकबाद होती है। किसी गाड़ी लग जाए, वो बच जाए, तो उसकी मुबारक। क्यों मुबारक हो, आपकी गाड़ी लग गई लेकिन आप बच गए। कोई जख्मी हो जाए, उसकी मुबारकबाद कि आप जख्मी हो गए लेकिन आपकी जान बच गई। बहुत मुबारक हो आप। रोमियो ने मंगनी तोड़ दी। Show me your